पंजाब हरियाणा सीमा पर किसानों के विरोध प्रदर्शन में शनिवार को बड़ी संख्या में युवक शामिल हुए। नौजवानों की जमात शंभू बॉर्डर पर किसान मोर्चा में शामिल हुई। किसान आंदोलन को गायक बलकार अंखीला, इन्फ्लुएंसर भाना सिद्धू और गैंगस्टर से सामाजिक कार्यकर्ता बने लखा सिधाना ने समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री जी ने हमारा 2020 में आंदोलन हुआ था, उसमें जो हमारी मांगे मानी गई थी वही लागू कराने के लिए हम आए हैं। जो लिखती दिया था नहीं मांगे हमारी कोई नहीं, वही मांगे हैं जो उस वक्त मोदी जी माने थे कि हम सही करके देंगे। अभी तक 2 साल के बाद भी सही नहीं हुआ। इतने साढ़े किसान नहीं कले लड़ रहे, इतने चाहे मजदूर हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे कोई छोटा व्यापारी हो, हर इंसान लड़ाई लड़ रहे। क्योंकि लड़ाई इतने उस इंसान की है जिहड़ा रोजी रोटी कमा के खांदा है, ते ओह रोजी रोटी साडी जिहड़े दुनिया के कारपोरेट ने जिहड़े मोदी अमित शाह दे यार ने खो लेना चाहुंदे है। इस करके लड़ाई हर इंसान की है, तां सारे इकट्ठे होके लड़ रहे हैं। किसान नेताओं ने जोर दिया है कि उनका दिल्ली चलो आंदोलन तब तक चलेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होती। उन्होंने कहा कि वे 3 मार्च को खनौरी में आगे की योजना का ऐलान करेंगे। खनौरी में हरियाणा के सुरक्षा बल के साथ झड़प में मारे गए किसान के लिए प्रार्थना सभा आयोजित की गई है। किसानों ने कहा कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान मोर्चे मजबूत किए जाएंगे, वे अपनी मांगों के लिए डबवाली में धरना भी देंगे। किसान नेताओं ने केंद्र के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था जिसमें 5 साल तक MSP पर दलहन, मक्का और कपास की सरकारी एजेंसियों से खरीद की बात की गई थी।